भारतीय रेलवे ने कहा है कि उड़ीसा में दुर्घटना का शिकार हुए यात्रियों में उनको भी शामिल किया गया है जो बिना टिकट सफर कर रहे थे, यानी बिना टिकट वाले यात्रियों को भी मुआवजा दिया जाएगा। अधिकारियों ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप ऐसा किया जाएगा। रेलवे के प्रवक्ता अमिताभ शर्मा ने कहा है, यात्रियों के पास टिकट था या नहीं इसे देखे बगैर उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। इनसे पहले रेलवे बोर्ड की संचालन सदस्य जया वर्मा सिन्हा ने हादसे के बारे में उठ रहे तमाम सवालों के जवाब दिए। मैं इस पर्टिकुलर एक्सीडेंट के बारे में आप लोगों से कुछ जानकारी साझा करना चाहती हूँ, जिससे कि अगर किसी तरह का कोई मिसकंसेप्शन है या कहीं कोई गलत इन्फॉर्मेशन है तो वो क्लैरिफाई हो जाए। और शुरू में मैं आपके साथ कुछ छोटी मोटी जितनी भी डिटेल्स हैं जो आसानी से समझ में आ सकती है वो मैं आपको समझा दूंगी कि किस प्रकार ये हादसा हुआ और रेलवे ने उसके बाद क्या क्या किया, किस तरह से रेस्टोरेशन, सबसे पहले रिलीफ और रेस्क्यू किया, उसके बाद जब ये कंप्लीट हो गया उसके बाद रेस्टोरेशन के लिए हम लोग क्या काम कर रहे हैं और ये रेस्टोरेशन कब तक हो जाएगा, और कि ये जो इंजर्ड लोग हैं उनका क्या ख्याल किया जा रहा है और किस तरह से हम उनकी सबसे अच्छी देखभाल करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद अगर आप लोगों को कुछ और एडिशनल जानकारी चाहिए तो मैं, मेरी जहाँ तक समझ है या डिटेल्स है मेरी पास, मैं आपसे शेयर कर लूँगी। तो सबसे पहले ये हमने आपको एक मैप दिया है जो कि सिंप्लीफाई करके दिया है एक स्टेशन के बारे में। ये स्टेशन है बहनगा बाज़ार, ये बालासोर डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से करीब 25 किलोमीटर दूर है। ये 2 तारीख की दुर्घटना है जब तकरीबन शाम के 6:55 पे कोरोमंडल एक्सप्रेस जो इस स्टेशन पे चल आ रही थी वो दुर्घटनाग्रस्त हुई, और उसकी दुर्घटना की वजह से जो और गाड़ियां उस स्टेशन से या तो निकल रही थी या उस पर खड़ी हुई थी उनको भी इसकी चपेट में आ गई वो। तो अगर आप ये स्टेशन का लेआउट देखेंगे, ये आपके पास है, ये स्टेशन का लेआउट अगर आप देखते हैं इसमें 4 लाइन है, ये 4 लाइन का स्टेशन है। इसमें 2 लाइन है एकदम सीधी जिनको हम लोग मेन लाइन कहते हैं, तो जो थ्रू गाड़ियां हैं जिनको स्टेशन पे रुकना नहीं है वो इस मेन लाइन से सीधी निकल जाती हैं। उसके अलावा जो 2 साइड में एक ऊपर एक नीचे दिख रही हैं आपको, वो लाइंस हम उनको लूप लाइन कहते हैं, जहां पे अगर हमको किसी गाड़ी को रोकना है तो हम वहां पे उस गाड़ी को उस लूप लाइन में लेते हैं। तो यहां पे उस समय 2 मेल एक्सप्रेस गाड़ियों को पास होना था अलग अलग डायरेक्शन में। एक गाड़ी आ रही थी मैं फिर से बता देती हूँ उसमें कोई चिंता की बात नहीं। 4 लाइन का स्टेशन है, इसकी जो बीच की 2 लाइन्स है वो मेन लाइन है जो कि अगर गाड़ी रुक नहीं रही है तो ज्यादातर उससे जाती है, और जो 2 और लाइन है आजू बाजू अलग अलग वो लूप लाइन कहलाती हैं, जिसमें कि हमको अगर गाड़ी को रोकना है तो हम वहाँ पे उसको ले जाते हैं और उसको वहाँ रोकते हैं।